देवेंद्र जी, राम को लेकर लगातार जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, सहयोगी, मतलब अलग अलग दल, उनके बयान आ रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड का बयान महाराष्ट्र में, हम बात कर लीजिए, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है कि राम मांसाहारी थे। पहली बात तो यह है कि जितेंद्र आव्हाड एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमेशा चर्चा में रहना चाहते हैं और इसलिए ऐसी बयानबाजी वो करते हैं, मूर्खतापूर्ण वो बात करते हैं, क्योंकि उनका प्रिंसिपल पक्का है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, तो इसलिए उनको उससे कोई डर नहीं है। उनको यह पता है कि उनके नेता जो है वो तो नास्तिक है। पवार साहब के सामने इस प्रकार की वो बात करते हैं, पवार साहब ने कोई प्रतिवाद किया? उनको ये कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ? नहीं कहा। तो ये सोचे साझे एजेंडा है इनका, ये चर्चा में रहना चाहते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं दरार गिरे ऐसा चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं दंगे हो ऐसा चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो अच्छा कार्यक्रम 22 तारीख का होने वाला है इसमें कोई ना कोई दाग लगे ऐसा ये लोग चाहते हैं, इसलिए सारी चीजें करते हैं। लेकिन आरजेडी के शिक्षा मंत्री सरकार में, बिहार में, चंद्रशेखर, वो तो कह रहे कि राम मंदिर का रास्ता गुलामी की तरफ जाता है। देखिए, जिनकी मानसिकता ही गुलामी की है ऐसे ही लोग इस बात को कह सकते, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी संकल्पना क्या रखी थी, परिकल्पना क्या थी, राम राज्य की परिकल्पना। महात्मा गांधी भी क्या कहते थे, राम राज्य। राम राज्य का अर्थ क्या होता है? राम राज्य का अर्थ होता है समाज के आखिरी व्यक्ति को उतना ही अधिकार जितना को राजा को है। समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति की बात जहां सुनी जाती है वो राम राज्य है। जितेंद्र आव्हाड का महाराष्ट्र में बयान आया, अलग अलग जगह पर FIR हो रही है, आप गृह मंत्री, आप कार्रवाई करेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तार करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी वगैरह का फैसला जो है वो पुलिस करती है, वो कोई गृह मंत्री नहीं करता। लेकिन अगर इस प्रकार के बयान आते हैं तो उस पर कार्रवाई करनी ही पड़ती है, वो हमारी जिम्मेदारी भी है, पुलिस कार्रवाई करेगी।